भाई मैं कोई चीज़ बनाऊँ और वो अच्छा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। यहाँ पर जो आज मैं बना रही थी ना, चिकन ग्रेवी, वो भी दम वाली, तो वह चिकन ग्रेवी में बना रही थी तो इतनी यम्मी बनी थी, मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। करना कुछ भी नहीं होता, प्याज को मैंने कर लिया था ब्राउन और फिर इसमें मैंने डाल दिया था क्रीम, दही और लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ एक अदद ग्रीन चिली, उन सब का पेस्ट मैंने बना दिया। और फिर इधर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया और ऑयल में, बहुत कम ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया। और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिए सुर्ख मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, जो जो मिर्च मुझे नज़र आए ना मैंने उसमें थोड़ी थोड़ी सी डाल दी ताकि इसका टेस्ट, प्यारा सा टेस्ट और प्यारा सा कलर आ जाए। क्योंकि आजकल तो बच्चों को चिकन के अलावा कुछ और चीज़ पसंद ही नहीं होता, मेरे बच्चों को तो चिकन बहुत फेवरेट है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बना लूँ, क्योंकि एक ही रेसिपी को काका करना बंदा बोर ही हो जाता है। तो भाई जनाब ये लीजिए, चिकन हमारा अच्छा तो सा फ्राई हो गया, कुक हो गया। तो फिर मैंने इस पर ऊपर से वो पेस्ट डाल दिया जो मैंने बनाया था, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और साथ जो थे ना मेरे साथ मिल्क नहीं सॉरी वो क्या होता है जो दही है वो मैंने डाल दिया था और क्रीम डाला था। और ये इतना चटपट सा बन गया था, ना कोई टमाटर डालो ना कोई प्याज डालो, बस इस तरीके से इतना यम्मी सा और इतना प्यारा ग्रेवी बन जाता है ना। ऊपर से मैंने जब ये बन गए तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर मेथी भी डाल दी, तो मेथी से तो सुभान अल्लाह इसका टेस्ट डबल से ट्रिपल हो गया और कलर भी इतना प्यारा सा आ गया कि क्या बताऊँ। टेस्ट इसका बहुत प्यारा था, बहुत डिलिशियस था। तो बस जब आपको भी हो और डालने की जल्दी, वो डालने के लिए जा रहे थे तो बस मैंने यही बनाया था और बस इतना प्यारा और डिलिशियस बना था कि मैं क्या बताऊँ। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई कर लेना है और फिर मुझे बताना है कि कैसे बनाता। तो बस मैं अभी इसको एंजॉय कर रही हूँ और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और आप लोगों के प्यारे प्यारे विशेस का बर्थडे का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, दिल्ली अल्लाह पामान।